अगर आप चाहते हैं वजन घटाना तो दिन में इतनी रोटी और चावल खाएं, कुछ ही दिनों में दिखेगा आपको गजब का असर। आज मेरा ये वीडियो स्पेशली आप लोगों की हेवी रिक्वेस्टेड वीडियो पर बनाया गया है। आप लोगों के बहुत दिन से मेल आ रहे थे कि हमें रोटी खानी चाहिए या चावल, अगर रोटी खाएं तो कितनी खाएं, कब खाएं, चावल खाएं तो किस तरीके से खाएं, क्योंकि हमारा खाना उसके बिना कंप्लीट नहीं होता, तो चावल कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए या किस तरह से बनाने चाहिए। तो मेरा आज का वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब देगा, क्योंकि जो भी इंडियन है जो मेरी इस बातों को सुन रहा है और जो वेट लॉस करना चाहता है उसके माइंड में भी ये सबसे ऊपर क्वेश्चन रहता होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं आप ही के सवालों के जवाब। बात जब वेट लॉस कम करने की हो रही हो तो सबसे पहले थाली से रोटी और चावल को पूरी तरीके से हटाने की बात की जाती है। जिसके पास भी हम जाते हैं तो वो हमें यही सलाह देता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें कार्बोहाइड्रेट से भरी होती हैं। ज्यादातर भारतीय खाने कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि वेट लॉस से पहले भारतीय खाने से कार्बोहाइड्रेट से भरे चावल और रोटी को हटाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वेट लॉस के लिए हमें प्रोटीन ज्यादा इनटेक करना पड़ता है। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको लो कार्बोहाइड्रेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूरी नहीं कि आप इसके लिए रोटी और चावल एकदम से बंद कर दें, बस इसे लेने की मात्रा आपको कम करनी होगी। तो चलिए जानते हैं कि वेट लॉस डाइट प्लान के हिसाब से हमें कितनी रोटी और चावल कब और कैसे खाने चाहिए। सबसे पहली चीज, चावल खाएं या रोटी, वेट लॉस के लिए क्या है बेहतर, इसके लिए जानना हमें जरूरी है कि दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी इसमें चपाती को। चपाती पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट से भरी नहीं होती, इसमें कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस के साथ प्रोटीन और फाइबर भी होता है। एक 6 इंच की चपाती में करीब 15 ग्राम कार्ब्स, 3 ग्राम प्रोटीन और 0.4 ग्राम फैट होता है। इस एक चपाती में 71 कैलोरी होती है। अब हम बात करते हैं राइस की न्यूट्रिशन वैल्यू की। 1/3 सर्विंग राइस में करीब 80 कैलोरी होती है। इसमें 1 ग्राम प्रोटीन और 0.1 ग्राम फैट और 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। चावल खाएं या रोटी, क्या है बेहतर। चावल और चपाती दोनों में फॉलेट यानी एक पानी में घुलनशील विटामिन बी होता है, जो डीएनए बनाने और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए जरूरी होता है। दोनों में लोहे की समान मात्रा होती है, लेकिन चावलों में रोटी की तुलना में फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। फास्फोरस किडनी के लिए महत्वपूर्ण है और कोशिकाओं की ये मरम्मत के लिए भी मददगार होता है। वहीं आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, मैग्नीशियम रक्तचाप और शक्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी जरूरी होता है। चावल और चपाती में से किसी एक को यूज करना चाहिए तो आप चपाती ही यूज करें, लेकिन आजकल ग्लूटेन फ्री डाइट का चलन है, इसके लिए लोग चपाती की जगह चावल लेने लगते हैं। ये सही विकल्प नहीं होगा, क्योंकि सफेद चावल पॉलिश वाले हैं, इसमें पोषक तत्व कम होते हैं और चीनी की तरह काम देते हैं। अगर आप चावल ही लेना पसंद करते हैं तो व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस लें, तभी आपको उससे फायदा मिलेगा। वेट लॉस करने वालों को एक दिन में कितना कार्ब लेना चाहिए, अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है। डाइटरी गाइडलाइन के अनुसार कार्ब आपके दैनिक कैलोरी सेवन का लगभग 45-65% प्रदान करता है। अगर आप 2000 कैलोरी डाइट प्लान ले रहे हैं तो आपको हर दिन में करीब 225-325 ग्राम कार्ब्स का लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन अगर आप तेजी से वजन घटाने का लक्ष्य रख रहे हैं तो आपको हर दिन केवल 50-150 ग्राम कार्ब्स खाने का ही लक्ष्य रखना चाहिए, तभी आप वेट लॉस कर पाएंगे। प्रतिदिन आपको कितनी रोटी और चावल खाने चाहिए, आप लोगों का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि आपकी प्लेट चावल से पूरी तरीके से कवर हो जाती है, इसका मतलब आप करीब 440 कैलोरी ले रहे हैं, इसलिए वेट लॉस के लिए इसे कंट्रोल करना होगा। आप अपनी दोपहर की डाइट में 2 चपातियां और आधा कटोरी चावल भी शामिल करें, बाकी का हिस्सा सब्जियों और सलाद से भरें। वहीं रात में बेहद हल्की डाइट लें, रात में चावल लेने से बचें। इसकी जगह आप चाहें तो थोड़ा सा तेल या घी के साथ एक भरवा पराठा खा लें। इसके अलावा आप चीला भी डिनर में ले सकते हैं। चावल और रोटी के इंटेक को आप कम कर सकते हैं, लेकिन इसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं।
ऐसे में इनका विकल्प रोजाना जरूरी हो जाता है। रोटी को आप केवल गेहूं का ही नहीं बनाकर बल्कि इस आटे में ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन आदि भी मिला सकते हैं। ये मल्टीग्रेन रोटी फाइबर, मिनरल के साथ प्रोटीन और विटामिन रिच भी हो जाएगी। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी में आ जाएगी, जो ब्लड शुगर को खाना खाते ही शुगर में कन्वर्ट होने से रोकता है, इसलिए आप लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करेंगे। और मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आपने दिन में एक अच्छी डाइट ले ली है तो रात का खाना स्किप करें, बहुत हल्का फुल्का लें, सोने से पहले दूध जरूर लें और कुछ आप उसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको रात को लेट नाइट क्रैविंग भी नहीं होगी, मतलब आपको एक्स्ट्रा भूख भी नहीं लगेगी और आप इजिली सो भी पाएंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं आपको बहुत देर तक अच्छा भरा हुआ फील करवाते हैं और दूध जो होता है आपको अच्छी गहरी नींद और आपको रिलैक्स माइंड देता है, जिससे कि आप एक अच्छी स्लीप ले पाएंगे, आपका मोटापा अपने आप कम होगा क्योंकि आपने रात को डाइट नहीं ली, हैवी डाइट नहीं ली, या 7 से 8 बजे के बीच में आप सब्जियों को, सारी वेजिटेबल्स को हल्का फ्राई कर आप ना ज्यादा उसको पकाएं, ना ज्यादा उसको कच्चा छोड़ें, थोड़ा सा कच्चा पक्का बनाकर उसमें नींबू डालकर वो खाएं। डेफिनेटली आपका पेट भी भर जाएगा, आपको सारे न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे और आपका वेट लॉस 101% होगा। चावल और रोटी को कम करें तो ऊर्जा के लिए क्या खाएं? आप लोगों के माइंड में अब ये क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग आज से अपने वजन को घटाना चाहते हैं तो मल्टीग्रेन रोटी का चुनाव करें, या अगर आप चावल इंटेक करना चाहते हैं तो उसकी जगह ये वाले राइस नहीं बल्कि ब्राउन राइस को चूज करें। तो मैंने अपनी इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अगर आप 2000 कैलोरी इंटेक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितने ग्राम कार्ब्स खाने चाहिए, और अगर आप उससे कम कैलोरी इंटेक करना चाहते हैं तो आपको कितने ग्राम कार्ब्स खाने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के मेरे पास आए थे उनके मैंने सारे आंसर्स दे दी हैं। तो अगर अभी भी आपके कोई माइंड में कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे। दोबारा से इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए सिटी नेम के साथ में, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के इन क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा से वीडियो लेकर आऊंगी और आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन है उनको दूर करूंगी। ऐसी कुछ नया देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।